नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम बात करेंगे खूबसूरत और जुनूनी दुनिया की। जी हाँ, ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सिरसा। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है और बीज बीज से वायु प्राण, यानी जो प्रकृति ने हमें दिया है हमारा फर्ज है कि हम उसका ख्याल रखें, मनुष्य होने का फर्ज भी अदा करें। हम अपने आसपास के वातावरण को खूबसूरत बना सकते हैं, इसके लिए हमें करना होगा छोटा सा प्रयास। ऐसा ही एक प्रयास किया गुरविंदर सिंह घूमर ने, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल एजेंसी के मालिक और गुलजार मोटर्स के सर्वेसर्वा। गुरविंदर सिंह घूमर 63 वर्ष के हैं, जो खैरपुर सिरसा के रहने वाले हैं, जिन्होंने सिरसा में महिंद्रा ट्रैक्टर व बुलेट मोटरसाइकिल की डीलरशिप की शुरुआत की। गुरविंदर सिंह बताते हैं कि उनको बागवानी का अनुभव उनकी माता से मिला। जिंदगी में उन्होंने दक्षिण भारत व विदेशों का भ्रमण किया। जब भी वे कहीं जाते तो फूलों के वृक्ष देखते, संपन्न शहरों की खूबसूरत वातावरण उनके दिमलो दिमाग में छा गया। बस फिर क्या था, उन्हीं के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न सिरसा को भी इस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, और उन्होंने एक शुरुआत की, मिशन ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सिरसा, जिसकी शुरुआत उन्होंने अगस्त 2018 में की, जिसके लिए 167 पौधे नर्सरी पुणे महाराष्ट्र से उन्होंने मंगवाए। इन पौधों को शहरवासियों ने बड़े चाव से शहर में लगाया। उनके लगाए हुए हर पौधे की शहरवासी बड़े चाव से देखभाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ खास शुरुआत की। 60 प्रकार के उच्च कोटि के बीजों को मंगवा कर, ये 60 प्रकार के बीज वे 150 गाँव में दे चुके हैं। उनका कहना है कि गांव में फिरनी, धर्मशाला व पंचायती भूमि में तथा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए जाएंगे, जिससे न केवल शहर बल्कि गांव-गांव भी खूबसूरत होगा। जब ये पौधे पूरे वातावरण में लगेंगे तो इनके बीज जहां तहां बिखर जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि ये बीज उत्तर भारत के क्लाइमेट के बिल्कुल अनुकूल हैं। उनका मानना है कि ये बीज अगर पूरी गांव में अगर लगा दिए जाएं तो ये अलग अलग जगह अपने बीजों को बिखेर कर वातावरण में अपनी खूबसूरती बिखेर देंगे। इन बीजों से कई तरह के बीज और उपजेंगे। उन्होंने 60 से 70 किस्म के बीज अलग अलग युवा क्लबों को भी दिए, ताकि युवाओं का रुझान भी इस तरह बढ़े, ताकि वे इस मुहिम को और आगे लेकर के जाएं। उन्होंने सरपंचों, पटवारियों और मेंबरों से ये आह्वान भी किया है कि अलग अलग गाँव के अंदर वे इन बीजों को पहुँचाएँ, इनकी इस मुहिम को दूर दूर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए वे अलग अलग तरह से बीजों का कलेक्शन एक पैकेट के रूप में सभी को देते हैं, ताकि वे दूर दूर तक रिश्तेदारियों में भी पहुंचाए जा सकें, क्योंकि तभी वे अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। आइए करते हैं गुरविंदर सिंह घूमन से कुछ खास बातचीत और जानेंगे कुछ युवाओं से इस मुहिम के बारे में। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, ये ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सिरसा की ये जो मुहिम है, इसमें आज आप शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीज आज गुरविंदर जी की तरफ से बांटे गए हैं, तो क्या लगता है ये मुहिम कहाँ तक जाएगी? सबसे पहले तो मैं सूरज जी आपका धन्यवाद करूँगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो जी। और गुरविंदर जी का खासकर ऐसे इंसान जैसे साथी लपड़ी ने अभी बताया, दुनिया के अंदर बहुत कम मिलेंगे जो कि अपने अलावा समाज के लिए सोचते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग अपने अपने कामों में, निजी कामों में व्यस्त है लोग, जनता सभी अपना अपना करने में लगी हुई है, लेकिन इनके दिमाग के अंदर पता नहीं ये उपज कहाँ से आई है। ये प्रकृति की देन के साथ साथ हम कुदरत का एक अनोखा उपहार मान सकते हैं इनको, जो कुदरत ने दिया है। इनकी एक अच्छी सोच, जो कि ये बाहर अलग अलग घूम के जो चीज़ें इन्होंने देख के आए, भी जो बाहर की स्टेटों के अंदर इस तरह की अगर ग्रीनरी हो सकती है तो सिरसा के अंदर क्यों नहीं। इनका एक सपना है कि कोई भी बाहर से अगर कोई साथी हमारे सिरसा जिला के अंदर प्रवेश करता है तो सड़कों के ऊपर एक ऐसी फुलवारी तैयार की जाए आने वाले भविष्य के अंदर, कि उनको सिर्फ नाम पूछना ना पड़े किसी से सिरसा आ गया, वो वहाँ का वातावरण देख कर ही उनको ये लगे भी हम सिरसा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इसकी मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए हम यूथ क्लब के साथ आज यहाँ पर इनके एक आह्वान पर यहाँ पर पहुँचे, और भविष्य में और इनको एक विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम इनकी इस सोच को आगे और अच्छी तरह कामयाब बनाएंगे। और तमाम युवा क्लब के साथ लगभग सिरसा जिला के अंदर, नेहरू युवा केंद्र के आदेश अनुसार लगभग 320 यूथ क्लब चलते हैं,
और उनमें से 200-250 यूथ क्लब बहुत अच्छे हमारे एक्टिव है, तो उन क्लबों की सहायता से जो इन्होंने एक सोच कायम की है उस सोच को हम आगे लेकर जाएंगे और हर गांव को इतना सुंदर परिवेश वातावरण बनाएंगे गांव का कि गांव का जो आने वाली जो पीढ़ी है जो आजकल किसी न किसी तरह बुराइयों में नशों की तरफ ग्रसित होती जा रही है, उन युवाओं को एक आइडियल एक उनके सामने एक इमेज इस तरह की बने कि गांव के अंदर उस तरह का एक वातावरण बन जाए कि वो उन बुराइयों की तरफ सोचे ना, सिर्फ उनका ध्यान है वो इस ग्रीनरी की तरफ रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम गांव का और ज़्यादा विकास कर सकें। कितने युवा इस समय आज जो ये बीज लेने के लिए पहुँचे हैं? आज लगभग हमारे यहाँ पर गुरविंदर जी के आह्वान पर साथी लपरीत ने सुबह कल सूचित किया था, कुछ साथियों शायद मैसेज नहीं पढ़ा होगा, मान लेते हैं कुछ साथी डेली नेट का यूज नहीं करते, उनके छोटे से आह्वान पर आज यहाँ पर कम से कम 20 युवा कल के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ही साथी वो लेकर भी आए हैं। पहले भी कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि गुरविंदर जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें काफी युवा आए थे, तो हाँ अभी गुरविंदर जी से पहले भी बात हुई तो उन्होंने आते आते से अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने बताया लगभग 150 गाँव के सरपंच और उसके यूथ क्लब के साथी मेरे से ये बीज लेकर जा चुके हैं, तो हम इनको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ जहाँ भी गुरविंदर जी हमें आदेश देंगे अपने नज़दीकी 5-10 गाँव के युवा क्लब के साथी जो इनसे हम लिस्ट ले लेंगे, ग्रुप भी हमारा बन जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम स्पेशल उनमें ध्यान दें, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो हमारा ये कर्तव्य रहेगा जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपनी बीज जो पौधा रूपी बीज जहाँ जहाँ पर दिया है तो हमारा ये कर्तव्य है कि वहाँ जाकर हम उन पौधों की सिर्फ ज़्यादा ना तो महीने के अंदर एक बार उनका रख रखाव के लिए देख रेख जरूरी है। जी शुक्रिया सर, मेरा नाम लोकप्रीत है, गांव खरेका क्लब से। हाँ जी सर, खरेका क्लब। आज ये जो बीज बांट रहे हैं गुरविंदर जी की तरफ से, क्या इनका उद्देश्य है और कैसे दिया है? उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है और इनकी जो मुहिम है बहुत ही सराहनीय है और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो बहुत कम इंसान होते हैं जो अपने खर्चा लगाकर अपने देश और समाज के बारे में सोचते हैं, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई है सिरसा को ब्यूटीफुल बनाने की, और आज ये इतने यूथ क्लब को बीज कितने क्लबों के लोग आए हैं आज? अब लगभग आज 15-20 क्लबों के लोग। तो क्या ये बीज है या पौधे भी बांटे जाएंगे? ये बीज है, इनको हम उगाएंगे और पौधे बनेंगे फिर अलग अलग जगहों पे इनको लगाएंगे गांव को सुंदर बनाने के लिए। कितने बीज गुरविंदर जी की तरफ से दिए जा रहे हैं? ये लगभग 17 बीज है, 60 प्रकार के पौधे हैं। किस तरह के पौधे हैं ये? सारे पेड़ हैं, फूलों के अलग अलग प्रकार के फूल हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मी है, गांव कागदा का। अच्छा लक्ष्मी जी, आप कौन से क्लब से आई हैं? मैं अंबेडकर युवा क्लब से हूँ सर। अच्छा, तो ये जो गुरविंदर जी ने एक ब्यूटीफुल इंडिया और कलरफुल सिरसा की एक योजना जो है इन्होंने चलाई है और इसमें बहुत सारी युवा जो है भाग ले रहे हैं, बीज लेकर के जा रहे हैं, क्या आप भी इसमें शामिल हुए हैं? यस सर। कितने बीज आपको मिले हैं? 70 बीज हमें मिले हैं सर। अच्छा, तो आप कैसे आगे इनको उगाएंगे, कैसे युवाओं को इसके इस मुहिम के साथ जोड़ेंगे? सर हमारे गांव में जो क्लब बना हुआ है, हम युवा साथी है, मैं उन युवा साथियों को साथ लेकर के हमारे जैसे गांव के अंदर स्कूल है, मंदिर है, या हमारे और भी जिस तरह वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए हम जगह जगह पर जहां खाली जगह पड़ी है वहां पर हम इन बीजों को लगाएंगे और अपने गाँव को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। पहले इस तरह की कोई योजना, कोई स्कीम ऐसी सुनी हो आपने, किसी ने बीज पहले बांटे हो? ऐसी योजना मैंने पहले तो नहीं सुनी। कैसी लगती है आपको ये योजना? मुझे बहुत अच्छी लगी सर जी। और इनका काम है वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। शुक्रिया। नमस्कार जी, पल पल में गोविंदर सिंह जी आपका स्वागत है। आपने ये जो ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सिरसा की अपना एक अभियान आरम्भ किया है, ये किस ढंग से ब्यूटीफुल होगा भारत, सुंदर होगा भारत और फूलों से गुलजार होगा सिरसा, ये कैसे होगा, इस योजना का विस्तृत क्या जानकारी? जी मैन, दिस इज ए फ्लावरिंग ट्रीज द प्रोजेक्ट। साढ़े सिस्टम में बड़े तरह के फुल वाले दरख्त ने, पर असी वो पुराने दरख्त नैमटाली के करे च घूमी जाने हैं। वर्ल्ड 6,000 तरह के फ्लावरिंग ट्रीज होंगे और ये जेडे मैं जो लेके आया ये 70 तरह के 70 टाइप 70 तरह के फ्लावरिंग ट्रीज के सीड्स आए हैं इस बारी, तो मैं इन्हों हर पिंड वंड रहा, हर पिंड लोग लेके जा अपने पिंड ला कि फिल्मिया ला कि स्कूलों ला कि आंगनबाड़ी ला जिते पिंड दगह ने, मंदिर ने, गुरद्वारे ने, सारे जो लगे, क्योंकि सारे पता फ्लावरिंग ट्रीज जोड़ा है इट इज़ ए ब्यूटीफिकेशन, ब्यूटीफिकेशन एक बरकत आती, एक
पिंड सुंदरता आती है, एक एटमोसफेयर, एक नैचुरली आप इस डिस्ट्रिक्ट को ब्यूटीफुल कर रहे हैं, दैट इज माई टारगेट। आपको इसका जो है ये कैसे मिला, आपको मान ले ये आपके दिमाग में कैसे आया, क्यों आप अपना खर्चा कर रहे हो? जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी लाखों रुपये आपका खर्च होगा, आपके पीछे ये जो लक्ष्य क्या है? हाँ जी, एक क्वेश्चन तो मैं अपने आप से भी पूछता रहता हूँ, भी आइडिया आया था तो आ गया, और ये जो आइडिया है ये एक्चुअली ना साउथ में मैं कभी गया हूँ, कभी अमेरिका कैनेडा गया हूँ, चंडीगढ़ में भी कुछ प्लांट्स कलरफुल लगे हुए हैं, तो एकदम मेरे ध्यान में 2 साल पहले आया यार ये हमने बड़े अच्छे फ्लावरिंग ट्रीज थे सारे लगे हुए थे तो सारे सरसे ही क्यों नहीं गए? पिछले साल मैंने भी नॉलेज नहीं सी, मैं कुछ 6-7 वरायटियाँ थे ना, कोई 200 प्लांट्स मंगा के लाते थे, बड़े अच्छे लोगों ने साथ दिता, हूँ सारे तकरीबन चल रहे हैं। हम ऐसा क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैं 400-500 का बूटा मंगाना साउथ तो बहुत महंगा, किन्नी क मंगा लो हूँ? सीड जरा सी इन रीच है, वी कैन ब्रिंग इट, कोई एड्डी वीडी कॉस्ट नहीं है। तो अब रिजल्ट ये कि मैं हर फ्रेंड को कहना लै जाओ सीड ला दो, आप लखा सीड ला देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पैना। नहीं तो की लगता है किन्ने परसेंट सीड जोड़ा है सक्सैसफुली उगण गए? भाजी नवा प्रोजेक्ट, इट इज एक्सपेरिमेंट, और मैं भी 70 तरह के लिया, 70 जो 40 जो होंगे, 50 होंगे, 45 होंगे, ये 15-20 दिन ही पता लग जाए। नहीं हूँ तुम देखो एक सीड एक यूथ कलम में देता, उसकी मोनीटरिंग किमें करोगे, वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? भाजी ये हूँ इतना मैं हर जगह देते पहुँच नहीं सकता, पर सारे पिंड जा रहे हैं, हूँ तक 150 पिंड भी मेरा जा चुके हैं, तो मैं लगता हफ्ते के सारे पिंड मैं लै जाएंगे, और मैं बड़ी खुशी है कि सारा यूथ जोड़ा है पिंड का यूथ क्लब इन्होंने बना रखे ने वो अगे आए हैं, तो मैं बड़ा मेरा मैं अपने आप से हम कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सही तरीके कामयाब। चलो भगवान चाहे वाहगुरु चाहे थोड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो, और ये ब्यूटीफुल इंडिया और कलरफुल सरसा का जो अभियान है वो सफल रहे, इन्नी शुभकामनावां दे नाल असीं चाहवांगे वी तुहाडा रिजल्ट जी। मैं ये ना एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे गाँव के लोग चाहे सरपंच हैं पंच हैं गाँव वासी हैं सब इकट्ठे हो के इस प्रोजेक्ट को सिरे ना, ताई इस गल का मजा आएगा।